that. हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल साइंस फाउंडेशन। तो आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं सीईटी टेस्ट के बारे में, जो कि आप सभी को पता है कि बहुत अनिवार्य है ये टेस्ट देना, क्योंकि इस टेस्ट जो है सीईटी टेस्ट, ये आपने काफ़ी इसके बारे में पढ़ लिया होगा और एक दो साल से अपन इसके बारे में सुनते आ रहे हैं, परंतु ये जो टेस्ट है अब लगेगा। इस साल जो है इसके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं। इसका मतलब क्या होता है अपन इस वीडियो में बात करेंगे, कौन कौन सी वैकेंसी हैं जिनमें आप फॉर्म लगा सकते हो और कौन कौन सी हैं उनमें नहीं लगा सकते हो, ठीक है, ये बात करेंगे अपन। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं वो टेंथ और ट्वेल्थ से जो हैं फॉर्म फिल कर देते हैं, टेंथ और ट्वेल्थ से फॉर्म फिल हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा भीड़ जो है एक तरीके से देखने को मिल जाती है अपन को। जैसे वैकेंसी आ रही है अपने, जैसे 4000 मान लो वैकेंसी आती है तो उसके अंदर फॉर्म लग जाते हैं लगभग 4 लाख के लगभग फॉर्म लग जाते हैं, 40,000 के लगभग फॉर्म लग गए मान लो, 4 लाख के लगभग फॉर्म जो है फिल हो जाते हैं वहाँ पर। तो इस सिस्टम को कम करने के लिए एक टेस्ट लागू किया गया है, वो है सीईटी टेस्ट। इसका मतलब क्या होता है और इसको आपको भी ये एग्ज़ाम देनी होगी, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर जो कि पास आउट हैं वो देख लेना, और आप बीएससी फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर किसी में भी हो तो आप भी इसको देख लेना, आपको भी ये टेस्ट देना होगा। और इस टेस्ट की मैं बात बताऊँ कि ये पर ईयर होगा, हर साल क्या होगा वन ईयर होगा, हर साल ये पेपर होगा आपका। एक साल में कितनी बार होगा, एक बार ये पेपर होगा आपका, ठीक है, एक साल में एक बार ये पेपर आपका होगा सीईटी टेस्ट का, मतलब हर साल ये पेपर आपको देना होगा। इसका मेन सिस्टम ये है, मान लो कि आपके कोई वैकेंसी आ रही है 4000 और वहाँ पर फॉर्म फील अपन कर रहे हैं 40,000, क्योंकि वहाँ पर बोल देते हैं टेंथ और ट्वेल्थ पास आउट ये इसकी एलिजिबिलिटी है और उसके अंदर फॉर्म फिर टेंथ और ट्वेल्थ पास आउट स्टूडेंट सभी लगा देते हैं। परंतु सरकार ने जो है ये एक टेस्ट लागू किया है, इसका मतलब ये है कि सीईटी टेस्ट अपन देंगे और इसमें जो पास हो जाएगा, इसमें जैसे फिक्स बच्चे रखे हैं, जैसे कि लगभग जैसे यहाँ पर फिक्स है 60% जिसकी बन जाएगी उनको पास करेंगे, या फिर वो उनके हिसाब से वैकेंसी के हिसाब से होगा। तो जो पास कर लेंगे इस टेस्ट को वही इस वैकेंसी में फॉर्म लगा सकते हैं, ना कि टेंथ और ट्वेल्थ वाले लगा सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा जो है किया है सीईटी टेस्ट, जो स्टूडेंट इसमें पास हो जाते हैं सीईटी टेस्ट के अंदर वही स्टूडेंट जो हैं क्या फॉर्म फिल कर सकते हैं, वैकेंसी गवर्नमेंट वैकेंसियों के अंदर फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब अपन बात ये भी करेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसियां हैं जिनके अंदर सीईटी टेस्ट लागू होगा और कौन कौन सी हैं उनके अंदर नहीं होगा। तो मैं बात कर लेता हूँ जिनके अंदर सीईटी टेस्ट लागू होगा उन वैकेंसियों की, उन वैकेंसियों में आप भी फॉर्म लगा सकते हो, ठीक है, तो एक बार उनको देखिएगा, मैं आपको यहाँ पर बोल के बताऊंगा और बोर्ड पे भी लगा दूंगा। देखिए बोर्ड पे लगा हुआ है, यहाँ पर पद का नाम है प्रवेशक महिला अधिकारिकता। एक तो ये वैकेंसी है जिसमें पदों की संख्या 176 का, जो ये सीईटी टेस्ट दोगे इसके पास होने के बाद में इन पदों पर वैकेंसी आएगी और उनमें इतने इतने पद हैं, ध्यान रखिएगा। सेकेंड है जल संसाधन विभाग पटवारी, पटवारी की आएगी वैकेंसी, तो उसमें भी आपको सीईटी टेस्ट पास होना होगा तब जाके आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं। जिलेदार की वैकेंसी आएगी, उसके अंदर भी सीईटी टेस्ट अनिवार्य है। नेक्स्ट देखिए तहसीलदार, राजस्व लेखाकार, इसके अंदर भी देखो 1923 पदों पर भर्ती है होगी, उसके अंदर आपको टेंथ और ट्वेल्थ नहीं मांगा जाएगा बल्कि सीईटी टेस्ट मांगा जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे है कनिष्ठ लेखाकार, उसके अंदर भी सीईटी टेस्ट आपको पास होना अनिवार्य है। उपजेलर और प्रवेशक छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड, इन सब की मैं एक बार स्क्रीन पर और देख लो आप, इन सब जो ये वैकेंसी हैं इनके ऊपर आपको फॉर्म लगाना होगा तो आपको सीईटी टेस्ट पास होना अनिवार्य है, ध्यान रखिएगा। और सीईटी टेस्ट के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है, सीईटी टेस्ट अपन इसके लिए देंगे तो उसके लिए भी तो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो है आपकी ग्रेजुएशन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन कर रखा है वही सीईटी टेस्ट दे सकता है, और ये जो
वैकेंसी है, ये पद है, इन पे सीईटी टेस्ट देने के बाद पास कर लेंगे तो इनकी वैकेंसी में फॉर्म फिल कर सकते हैं, और बाकी में नहीं है। और कुछ इसके बारे में आएगा वो मैं बता दूंगा। और देखिए इसके अंदर फीस जो है सीईटी टेस्ट की, आपके डेट चल रही है, लास्ट डेट कब है, 21 तारीख जो है लास्ट डेट है 21। और देखो एक बार और थोड़ा सा मैं देख के बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए ये जो है ये आपके सीईटी टेस्ट 21 अक्टूबर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे, 22 सितंबर से आपके स्टार्ट हैं और 21 अक्टूबर तक चलेंगे, तो तब तक आप फॉर्म लगा देना, फिर इसकी जो एग्ज़ाम आप जो है पास कर लेते हो, सीईटी टेस्ट पास कर लेते हो, तभी इन वैकेंसियों के अंदर जो है मैंने बताया था अभी उनमें फॉर्म फिल अपन कर सकते हैं। और इसके बारे में मैं थोड़ा आपको डिटेल से बता दूंगा, तब तक आप इसको क्लियर कीजिएगा सीईटी टेस्ट की, अपन देख लेना जो कि ग्रेजुएशन कंप्लीट है जिसकी, वो लगा देना फॉर्म और एग्ज़ाम ज़रूर देना। वैसे हर साल आएगी ये, हर साल ली जाएगा ये जो टेस्ट, क्योंकि ग्रेजुएशन से हर साल बंदे निकलते हैं तो उनके लिए तो करना पड़ेगा ना। और अभी जो है लेटेस्ट वैकेंसी की एक नई वीडियो आने वाली है, उसको देख लेना, मैं उसके अंदर 12th पास बायो या फिर मैथ वाले ही लगा सकते हैं, उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।